हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में मैथ में संबंध के बारे में। संबंध में क्लास 12 में आए तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध है क्या? तो आपसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि दिया गया संबंध क्या तुल्यता संबंध रखता है या नहीं। तो तुल्यता संबंध जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। यानी तुल्यता संबंध साबित करने के लिए हमें उस क्वेश्चन को सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या वह स्वतुल्य संबंध रख रहा है, सममित रख रहा है और संक्रामक रख रहा है। अगर तीनों संबंध का पालन कर रहा है तो हम कह सकते कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध रखता है। सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें संबंध क्या दिया है, उसी संबंध पे आधारित इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारा कोई समुच्चय दिया होगा, मान लीजिए ए बी और सी दिया। अब इसमें हम देखेंगे क्या और संबंध, मान लीजिए कि ए बी सी है क्या, तो ए बी सी ए बी और सी तीनों समांतर रेखाएं। संबंध क्या दिया है कि तीनों समांतर रेखाएं, ये हमें संबंध दिया है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक समुच्चय दिया रहेगा, समुच्चय में आपके बीच संबंध दिया है। मेन इंपॉर्टेंट का है संबंध, संबंध क्या दिया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वतुल्य संबंध होता क्या। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब कि स्वयं से तुलना करें। अब देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको संबंध दिया क्या है, मान लीजिए कि जो ए है ओ बिलोंग, इसको करना चाहिए। दूसरा जो आपका संबंध दिया रहेगा इसको बिलोंग करना चाहिए। जो ए है समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है और ये लिखे ए कामा ए, ये जो संबंध दिया है किसको बिलोंग करना चाहिए, आरएन इस संबंध को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है जो संबंध दिया है वो स्वयं के साथ भी वही उसका संबंध होना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि वह स्वतुल्य संबंध रखता है। स्वतुल्य संबंध ए बिलोंग ए और ए कामा ए और ये मिलान किसको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। नहीं समझ में आया, चलिए इसको फिर अच्छे से फिर से यहां समझा रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी, जो ए और बी के बीच संबंध होगा बराबर ए रिलेशन ए होना चाहिए। जो ए और बी के बीच संबंध स्थापित होगा वह संबंध ए से ए के बीच में होना चाहिए। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए ए बी सी हमारी कैसी एक सरल रेखा है और तीनों आपस में समांतर। मान लीजिए हमारी ए है रेखा और ए बी है रेखा और ए सी, ए से ए में संबंध है क्या दिया है कि दोनों रेखाएं समांतर। तो ए से ए में संबंध, इसका मतलब कि ए ए के समांतर, दुनिया की कोई भी सरल रेखा जो होती है वो स्वयं के समांतर होती है। अर्थात ए रिलेशन बी, इसका मतलब कि ए से ए का वही संबंध होना चाहिए जो ए से बी के बीच में संबंध है। दूसरा है सममित। सममित का मतलब है होता है कि ए कामा बी बिलोंग ए, ए और बी दोनों ए को बिलोंग करें और जो हमारा संबंध दिया है ए और बी का वही संबंध बी से ए का भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए, तब तो वह दिया गया संबंध सममित संबंध होगा। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए यहां पर ए और बी दोनों आपस में समांतर रेखा है, ए जो है बी के समांतर है,
तो बी भी ए के समांतर होगा कि नहीं होगा? अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं तो दोनों एक दूसरे के समांतर ही होती है। इसका मतलब कि दिया गया संबंध सममित संबंध रखता है। तीसरा है संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से है तब बी का संबंध सी से होना चाहिए। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, तब तो जो ए से बी का संबंध है और बी का सी से संबंध है तो ए का सी से संबंध वही होना चाहिए। कहने का मतलब है ए रिलेशन बी, ए का जो बी से संबंध होगा और बी का सी से संबंध होगा और वही संबंध ए और सी के बीच में अगर स्थापित होगा तो दिया गया संबंध संक्रामक संबंध रहता है। अगर ये तीनों संबंध पालन करते हैं दिए गए संबंध का तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध रहता है। चलिए एक और उदाहरण इसी पर हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर आपका संबंध दिया है कि ए ए बी का पिता है। संबंध जो दिया है ए बी का पिता है। संबंध हमारा क्या है, ए जो है बी का पिता है। तो अगर उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य, तो मान लीजिए ए का रिलेशन जो बी से दिया है, ए का जो रिलेशन बी का दिया है कि ए बी का पिता है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है ए का एक पिता, तो क्या स्वयं से स्वयं का रिलेशन करेंगे ए से ए का संबंध? संबंध हमारा क्या था, ए जो है बी का पिता है, तो क्या ए ए का पिता होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्वयं स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, अर्थात ए रिलेशन ए सही नहीं। इसका मतलब कि स्वतुल्य संबंध ये नहीं रखता। दूसरा है सममित। तो ए रिलेशन जो हमें बी दिया है, क्या बी रिलेशन ए भी होगा? जो ए और बी के बीच में संबंध है, क्या वही संबंध बी का ए के साथ होगा? जो नहीं होगा। यहां पर क्या संबंध दिया है, ए बी का पिता है, तो का बी ए का पिता होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि ये संबंध नहीं पालन कर रहा है। अब देखिए ए का संबंध बी से है, ए बी का पिता है और बी का रिलेशन है सी से। इसका मतलब कि जो बी है सी का पिता है, तो ए रिलेशन सी होगा, यानी सी ए का पिता होगा? नहीं होगा। गलत, क्योंकि इस संबंध के अनुसार जो ए है सी का दादा होगा। और यहां पर क्या संबंध मिला है हमें कि ए जो है सी का पिता है। इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब कि जो दिया गया संबंध है वह स्वतुल्यता संबंध नहीं रखता है। कुछ क्वेश्चन में होता है कि स्वतुल्य रखता है, सममित रखता है, संक्रामक नहीं रखता है, तो भी वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। दिया गया संबंध तीनों संबंध का पालन करना चाहिए। अगर तीनों का पालन कर रहा है तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध